साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हमारा यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर जो वीडियो है वह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। पिछले दो दिनों से लगातार व्हाट्सएप पर कई निवेशक साथी एक पोर्टल की न्यूज हमें बार बार भेज रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सर पोर्टल क्या है, क्या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पोर्टल लॉन्च होगा, क्या सहारा की तरह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी निवेशकों को उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर और सबसे बड़ी बात कि कई निवेशक साथी जो कि विभिन्न उच्च न्यायालय की रिट याचिकाओं में शामिल थे, जिनके द्वारा अपने भुगतान प्रपत्र प्रेषित किए गए, उनके बारे में भी उनके द्वारा जानकारी चाही गई थी। तो सबसे पहले मैं उन निवेशक साथियों की बात करूंगा जिन्होंने कि उच्च न्यायालय के अंदर रिट याचिकाएं फाइल की थी और भुगतान प्रपत्र तैयार किए थे। उन सभी साथियों द्वारा जिनके भुगतान प्रपत्र प्रेषित करके निर्धारित समयावधि के अंदर प्रेषित किए गए थे, आगामी कार्रवाई के लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार को आप समस्त याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रेषित भुगतान प्रपत्र निर्धारित विहित प्रारूप के अंदर आगामी कार्रवाई हेतु क्लेम रजिस्टर में अभिलेखित करने हेतु वह और आगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वह दिनांक 1/8/2023 को सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव भारत सरकार को और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रेषित कर दिए गए हैं, जो दिनांक 9/8/2023 को प्राप्त उन्हें हो चुके हैं। उस संदर्भ में जब भी कोई अपडेट आएगा हमारे द्वारा इसी YouTube चैनल और Facebook पेज के जरिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कई लोग हर रोज सुबह उठकर मॉर्निंग में पूछते हैं सर कोई अपडेट हो तो दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि हमें रोज आकर उन्हीं बातों को रिपीट नहीं करना होता है। जब भी कोई पॉजिटिव अपडेट निवेशकों के पक्ष में होगा या उनसे संबंधित कोई रिप्लाई होगा तो हमारे द्वारा इस चैनल पर आकर आपको उसकी सूचना प्रदान कर दी जाएगी। अब बात करते हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े पोर्टल के मुद्दे पे। हाल ही में यह बात अखबार में छपी कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में सरकार द्वारा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा या पोर्टल लॉन्च करने संबंधी जो भी बात उठी उसकी जो अखबार की कटिंग है कई निवेशक साथियों द्वारा हमें भेजी गई। तो उस संदर्भ में कई निवेशक साथी जानना चाहते हैं कि सर क्या ये उचित है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आज उसी मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करेंगे। एक्चुअली यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पोर्टल का मुद्दा उठा है वह उठा है सहारा इंडिया से जुड़ी सोसाइटी के मामलों में पोर्टल जारी करने को लेकर। सहारा इंडिया से जुड़ी हुई सोसाइटी के मैटर में पोर्टल जारी किया गया और उस पोर्टल को जारी करने के बाद जो निवेशक है वह निवेशक पोर्टल पर लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर रहे हैं। सहारा इंडिया की सोसाइटियों द्वारा भी जो पोर्टल लॉन्च किया गया उस पोर्टल से संबंधित पोर्टल का पूरा पोस्टमार्टम वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर दिनांक 20 जुलाई को पोस्ट किया गया है। उस पर हमने हमारी पोर्टल से जुड़ी सारी राय रखी है जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि सहारा से जुड़ी सोसाइटी के पोर्टल के मैटर में हमने क्या कहा है। लेकिन जब बात आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पोर्टल मुद्दे पे आई तो हमें लगता है कि हमारा बोलना जरूरी है, क्योंकि हमारी आवाज को न केवल निवेशक साथी सुनते हैं अपितु लिक्विडेशन से जुड़े प्रोसेस में और सहकारिता विभाग से जुड़े हुए लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं और हमें सुनते हैं। और इसी बात को लेकर हमारे द्वारा यह विस्तृत वीडियो बनाया जा रहा है जहां पर चर्चा की जा रही है क्या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में पोर्टल की आवश्यकता है, क्या पोर्टल होने का लाभ निवेशकों को मिलेगा, यदि पोर्टल को लॉन्च नहीं किया जाता है तो सही रहेगा या पोर्टल को लॉन्च किया जाना सही रहेगा। तो इस मुद्दे पर मैं खुला कहूंगा
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पोर्टल की कतई 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 आवश्यकता नहीं है। यह सहारा की सोसाइटियां नहीं है कि एक व्यक्ति के नाम पर एक ही ब्रांच के अंदर पांच पांच मेंबरशिप नंबर अलॉट किए जाते हैं। एक ही व्यक्ति का सहारा की एक ही ब्रांच में अलग अलग सोसाइटी में इन्वेस्ट करा के उन लोगों को अलग अलग मेंबरशिप नंबर अलॉट किए जाते हैं। कन्वर्जन करा के लोगों का पैसा सोसाइटियों के अंदर लाया गया। सहारा के डॉक्यूमेंट में लोगों का जो पैसा है मैच्योरिटी की किसी किसी बॉन्ड में जिक्र है, बाकी पॉइंट में मैच्योरिटी को दर्शित किया गया है जैसे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं शेयर बाजार में निवेश किया। तो यहां पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव और सहारा से जुड़ी सोसाइटियों की बात की जाए तो आदर्श का मामला अपने आप में अलग है। पोर्टल की आवश्यकता वहां होती है जहां खुद सिस्टम द्वारा संयमित रूप से तरीके से अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया, जबकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से देश के किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि राजस्थान में इन्वेस्ट किया गया हो, पंजाब में इन्वेस्टमेंट किया गया हो या इन्वेस्टमेंट किया हो दिल्ली के अंदर, अगर एक व्यक्ति द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसका मेंबरशिप नंबर एक ही है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यूं ही सहकारिता का सिरमौर नहीं बना, सहकारिता का प्रतिबिंब यूं ही नहीं बना, और यही कारण है कि हमारे द्वारा कभी भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोटर मंडल के संदर्भ में कभी भी कोई गलत कमेंट्स या गलत वीडियो हमारी तरफ से पोस्ट नहीं किया गया। सहकारिता के प्रतिबिंब थे उनके प्रमोटर मंडल, जिन्होंने कि प्रत्येक काम को एक अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था। आदर्श के जितने भी इन्वेस्टर साथी है उन सबका जो डाटा है वह सैप में ऑलरेडी मौजूद है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सर्वर में प्रत्येक व्यक्ति की डिटेल तरीके से मैनेज की गई है। केवल मेंबरशिप नंबर डालने मात्र से प्रत्येक व्यक्ति का पूरा डाटा, पूरी डिटेल, उसके इन्वेस्टमेंट डेट, उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, किस डेट को मैच्योरिटी, कितना हो रहा है, कितना दिया गया लोन के रूप में, पार्ट पेमेंट के रूप में, MIS के रूप में, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ऐसी अवस्था में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में किसी पोर्टल की आवश्यकता कतई नहीं है। यदि आपको निवेशक को भुगतान करना है और आप समस्त निवेशकों को भुगतान करना चाहते हैं एक तरीके से चाहते हैं तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सैप, उनका सर्वर अपने आप में किसी भी पोर्टल से परिपूर्ण है। आप सारा क्रेडिट को एक्चुअली जब भी पोर्टल बनाया जाएगा तो वो क्या देख के बनाया जाएगा, सारा ने जो पोर्टल सारा CRC का जो पोर्टल बना उसको आधार पे, उसके आधार पे आज लोगों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कस्टमर केयर हेल्पलाइन पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनको कतई जानकारी नहीं है, एक सिंगल वन जानकारी नहीं है कि वह किसी भी रूप से फोन करने वाले, हेल्पलाइन पर फोन करने वाले लोगों को संतुष्ट कर पाए। न डेथ मैच्योरिटी का जिक्र, न अपरिपक्व राशि के बारे में जिक्र, न MIS के बारे में जिक्र, न गार्जियन के रूप में अप्लाई करने के बारे में जिक्र, न मैच्योरिटी राशि का जिक्र, न मैच्योरिटी डेट का जिक्र, और यहां तक कि आधार कार्ड से जो डाटा लिया जा रहा है तो जिन लोगों के बैंक अकाउंट बंद हो चुके हैं वह डाटा सामने आ रहा है, उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके निवेशक। यदि आप उस सहारा के पोर्टल को आधार बनाकर यदि आप पोर्टल लॉन्च करते हैं तो आप विफल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कहूंगा, क्यों लॉन्च किया जाए पोर्टल? राजस्थान के अंदर द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो डेजिग्नेटेड पावर डेलीगेट किए गए थे, वो किए गए थे स्टेट रजिस्ट्रार को। स्टेट रजिस्ट्रार ने अपने पावर डेलीगेट किए थे प्रत्येक डिप्टी रजिस्ट्रार को, और वहां पर आपने पोर्टल में लोगों की शिकायतें ली थी और उस आधार पे द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट 2019 के अंतर्गत आपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर इस्तगासे दायर किए। जब उस समय आपने पोर्टल लॉन्च किया, लोगों को पोर्टल की भीड़ में लगाया, लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, अपने एफिडेविट बनाए और उनकी तरफ से इस्तगासा दायर किया गया, तो फिर नया पोर्टल क्यों? आपके पास वो डिटेल आ चुकी है। अब बात ये रही कि वो राजस्थान के लोग ही कर पाए, तो उस पोर्टल को आप वाइड कर सकते हैं,
जिन लोगों ने कर दिया उन्हें करने की आवश्यकता ही नहीं। कुल मिलाकर पोर्टल की आवश्यकता ही क्यों? आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में ढेरों लोगों ने हाईकोर्ट के अंदर रिपिटिशन फाइल की, विभिन्न कोर्टों के अंदर कार्रवाई की, कई लोगों ने अपने क्लेम पत्र, भुगतान प्रपत्र बनाकर ऑलरेडी लिक्विडेटर और सेंट्रल रजिस्ट्रार को प्रेषित कर दिए गए हैं। अब इन 5 सालों के अंदर कितने ही लोग अपने क्लेम सबमिट कर चुके हैं। ऐसे अवस्था में जो सबमिट कर चुके हैं वह प्राथमिक स्तर पर होने चाहिए। और सीधी सी बात यह है कि जिन भी लोगों ने अपने क्लेम फाइल किए करना क्या है, लिक्विडेटर को केवल आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सर्वर को चालू करके केवल मेंबरशिप नंबर पे ही तो क्लिक करना है, डाटा खुद ब खुद आ जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति का निराकरण आसानी से हो जाएगा। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव या सहारा से जुड़े मामलों में जब पोर्टल लॉन्च हुआ उसके बाद जो तकनीकी समस्याएं आ रही है, आज तक उन तकनीकी समस्याओं का समाधान न तो सहारा कर सका है और न सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमने हमारे विवेक और अनुभव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को डेथ क्लेम गार्जियन के रूप में, अकाउंट में दावा संख्या नहीं जनरेट होने की स्थिति में कई मुद्दे हैं जिन पे हमने हमारे वीडियो बना के पोस्ट किए, जो लोगों का मार्ग जिन्होंने प्रशस्त किया, जिसके लिए कई लोगों के हमें धन्यवाद आए। हम उनके आभारी हैं जो हमारे YouTube चैनल को सुनते हैं और उसके अनुसार फॉलो करते हैं। अब बात यदि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पोर्टल के मैटर में आ रही है तो यहां तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे लिक्विडेटर महोदय हो, चाहे उनके सहयोगी हो, चाहे सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या समस्त डिप्टी रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार, प्रत्येक निवेशक साथी जो कि मुझे सुन रहे हैं, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सभी लोग लिटिगेशन में नहीं गए, लोगों ने कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो ऐसी अवस्था में आपको यह चाहिए कि जिन लोगों ने जो भी प्रोसेस किया है वह प्रोसेस के साथ अपने क्लेम सबमिशन आपको कर दे। आपको केवल मात्र एक नोटिफिकेशन निकालना है कि इस तारीख तक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर द्वारा सभी लोगों के क्लेम लिए जाएंगे। दुर्भाग्य इस देश का कि 5 साल का वक्त होने आया और आज तक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में लिक्विडेटर द्वारा क्लेम आमंत्रित नहीं किए गए, जबकि ऑफिशियल रूप से उनको क्लेम आमंत्रित करने चाहिए। क्लेम आमंत्रित करने के बाद उन्हें अपने रिकॉर्ड में अभिलेख करना चाहिए ताकि उनके सामने यह बात तो आए कि कितने निवेशकों को राशि लौटानी है और कितनी राशि लौटानी है। जिस तरह सहारा की सोसाइटियों के मामले में कहा जाता है कि 86,000 करोड़ लौटाने हैं और 12 करोड़ निवेशक है, हमने हमारे एक YouTube चैनल पे हमारे पिछगत वीडियो में हमने दावा किया था कि 3 करोड़ यदि कंप्लेंट पोर्टल पे आ गई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इसके पीछे क्यों ऐसा कहा, इसके पीछे के लॉजिक तर्क हमने हमारे YouTube चैनल पे पोस्ट किए हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यदि आज की तारीख में जिन जिन लोगों ने लिटिगेशन फाइल किए, लिटिगेशन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने क्लेम भुगतान प्रपत्र तैयार करके सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी या लिक्विडेटर परिसमापक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रेषित कर दिए गए हैं उनको देखा जाए, उसके अलावा जिन लोगों ने दूसरे कोई लिटिगेशन किए या फिर अपने क्लेम बनाकर डायरेक्टली सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेज दिए हैं, यदि उन सभी को देखा जाए तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में जितनी राशि 5,000 करोड़ रुपए की राशि जो रिलीज की गई है सारा सीआरसी को, उतनी ही राशि में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निपट जाएगा। 21 लाख निवेशक बताए जा रहे हैं, लेकिन यदि यहां पर भी समस्त निवेशक यदि अपना क्लेम अप्लाई करेंगे तो वो भी बमुश्किल 5 लाख भी निकल गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में सरकार यदि ये विचार कर रही है कि वह पोर्टल लॉन्च करके एक बार और पब्लिक को भीड़ में खड़ा कर दे, तकनीकी मामलों में उलझा दे, तो यह बिल्कुल भी गलत होगा और इसके नेगेटिव परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे, निवेशकों को भुगतने पड़ेंगे और स्वयं लिक्विडेटर महोदय भी इस प्रोसेस के अंदर उलझ के रह जाएंगे। जितने भी लिटिगेशन हुए हैं, जिन लोगों ने भी अपने क्लेम भुगतान प्रपत्र सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेज दिए हैं या भविष्य में भेज दिए जाते हैं, वहां सेंट्रल रजिस्ट्रार अपने डाटा ऑपरेटर को इंगित करे
कि वह प्रत्येक व्यक्ति के मेंबरशिप नंबर के आधार पर उनका क्लेम सबमिशन रिकॉर्डेड करे। दावा है अगर किसी भी व्यक्ति दो या चार बार भी अपने क्लेम भेज देगा और आपने अगर मेंबरशिप के नंबर के आधार पे यदि उसको सबमिशन करना प्रारंभ किया, तो अगर किसी व्यक्ति ने तीन या चार बार भेज दिया है तो बाकी के तीन उसके डस्टबिन में चले जाएंगे और इस तरीके से निवेशकों को आसानी से उनकी प्रक्रिया करने में सुलभ रहेगा। एक निवेशक एक साधारण एप्लीकेशन फॉर्म बनाकर अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट नंबर लगाकर और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाकर आपको इजीली भेज सकता है आपके एड्रेस पे। और यही फॉर्मेट आपको लागू करना चाहिए। आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है पोर्टल के मामले में। सारा सीआरसी का पोर्टल जो है आज लोगों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में नीरज के पवन जो उस समय के तत्कालीन आईएएस और सहकारिता सेक्रेटरी थे, सचिव थे, उन्होंने ऑलरेडी पोर्टल लॉन्च किया था और लोगों ने उन पोर्टलों पे शिकायत की थी। तो ऐसी अवस्था में यदि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पोर्टल लॉन्च किया जाता है तो वह केवल और केवल निराशा का कारण बनेगा, निवेशकों को प्रताड़ित करने का एक माध्यम बनेगा, सरकार खुद उसमें विफल रहेगी। क्योंकि ऑलरेडी इस बात को सरकार को जानना चाहिए कि पहला जो पोर्टल आपने कभी भी लॉन्च किए हैं वह 100% खरे नहीं उतर पाए। फिजिकल तरीका अपने आप में दी बेस्ट है जिसकी पालना होनी चाहिए। अब बात यह है कि उन निवेशकों की प्राथमिकता तो सर्वप्रथम रहेगी जिन्होंने की लिटिगेशन फाइल किए, जिन्होंने की क्लेम फाइल किए, और उन लोगों को आपको रिकॉर्ड पे लेना होगा। ऐसी अवस्था में यदि आप पोर्टल लॉन्च करते हैं, पोर्टल लॉन्च करके यदि आप उन लोगों को इग्नोर करते हैं जो कि लिटिगेशन में गए, तो पोर्टल को भी चैलेंज किया जा सकता है और पोर्टल फिर से विवादों का माध्यम बन सकता है। तो यहां पर उन तमाम निवेशक साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपका क्या सुझाव है, स्वस्थ सुझाव आमंत्रित है। हमारे YouTube चैनल पे अपने सुझाव शुद्ध हिंदी भाषा में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें हर जिम्मेदार तक जो इस वीडियो को पूरा सुने और समझ पाए कि पोर्टल क्यों फेल हो जाएगा आदर्श क्रेडिट। क्योंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम ही इतना क्लियरली है कि वहां पर कुछ भी पोर्टल की आवश्यकता ही नहीं है। एक सेट इतना प्यारा सर्वर उनका बना हुआ है, पूरा सिस्टमेटिक वर्क है, कहीं फ्रॉड की बात नहीं है। कोई दो अलग अलग सर्वर पहले से फ्रॉड करने के लिए मैनेज नहीं किए गए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा कि निवेशकों को अलग से सोचना पड़ेगा, सरकार को अलग से सोचना पड़ेगा। और पहले जब आपने पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल पर शिकायतें ली, उस समय पब्लिक को और चक्कर कटवा दिए, अब और चक्कर कटवाना चाहते हो, तो यह कतई भी उचित नहीं रहेगा। यदि इस मामले में सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहती है, लिक्विडेटर को उचित कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वह एक फॉर्मेट जारी करे और एक निश्चित फॉर्मेट के अंदर तमाम निवेशक जो भी है यदि वह सबको लेना चाहते हैं तो क्लेम आमंत्रित करवा दे और स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए क्लेम मंगवाए और उसी के जरिए उनको अप्लाइड करें। और तमाम उन याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने भुगतान प्रपत्र प्रेषित किए वह ऑलरेडी 9/8/2023 को लिक्विडेटर सेंट्रल रजिस्ट्रार को प्रेषित हो चुके हैं जो उनको प्राप्त हो चुके हैं। तो पोर्टल के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पोर्टल लोगों के गले की फांस बनेगा? क्या उससे और असुविधाएं होगी? आपकी कमेंट जरूर लिखें। और आपकी क्या राय है, क्या पोर्टल लागू होना चाहिए या जो हम कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को डायरेक्टली क्लेम करने का राइट होना चाहिए, वह आप अपनी सलाह जरूर दें। और दूसरी बात की जाए, अगर सहारा सीआरसी में पोर्टल लागू हुआ तो उसका बेनिफिट क्या है कि 5,000 करोड़ जो डेड फंड पड़ा हुआ था वह आया है। उस 5,000 करोड़ के बाद 24,000 करोड़ की राशि जो थी उसमें से और फंड आएगा और वो फंड आएगा, उससे निवेशकों को राशि लौटाई जाएगी। तो सारा सीआरसी का पोर्टल तकनीकी समस्याओं के चलते भी सफल रहेगा, लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अभी तक तो लिक्विडेटर ने अपने प्रयासों को धरातल पर बताया ही नहीं है कि ये किस तरीके से क्या काम होगा। ऐसी अवस्था के अंदर यह पोर्टल कतई उचित नहीं है। आपके विचार आमंत्रित है और इस मुद्दे पर आपके विचारों के आधार पर हम अपनी बात रखेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और एक बात और, जब भी मुख्य मुद्दे की बात होगी तभी हमारे द्वारा YouTube पर अपनी बात को साझा किया जाएगा। WhatsApp पर ढेरों WhatsApp आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपडेट दे पाना हमारे लिए मुश्किल है, संभव नहीं हो पाता है कि हम हर WhatsApp का रिप्लाई दे पाए। जब भी कोई अपडेट आएगा इसी YouTube चैनल, इसी Facebook पेज पे पोस्ट होगा, बने रहे इस चैनल पे, इसी प्रकार के अपडेट आते हैं हमारे इस चैनल पे।
तो साथियों उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय व्यवहार।